सुरेश, आप में से बहुत से लोग होंगे जो विंडोज 10 अभी यूज कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि विंडोज ने क्लियर कट बताया है कि 2025 के अक्टूबर तक आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद इसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो सिक्योरिटी अपडेट है आपको 2025 तक मिलेगा। अभी भी 2 साल है, आप यूज कर सकते हैं विंडोज 10 को, लेकिन इसमें आपको नया फीचर नहीं मिलने वाला। अब अगर आपको नया फीचर चाहिए तो उसके लिए आपको विंडो 11 में स्विच करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नया फीचर का अपडेट मिलेगा। तत्काल आपको सिक्योरिटी अपडेट 2025 तक मिलने वाला है, उसके बाद वो भी खत्म। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विंडो 11 को ज्वाइन करें, विंडो 11 में अपडेट करें। अगर विंडोज 10 इस तरह से चलती रही, उसमें अपडेट आता रहा, सिक्योरिटी अपडेट फीचर आता रहा, तो विंडो 11 के अंदर लोग स्विच क्यों करेंगे, आप भी क्यों करेंगे विंडो 11 के अंदर स्विच। उसमें अलग एक लफड़ा भी है आपको रिक्वायरमेंट को लेके, उसका हार्डवेयर भी आपको चेंज करना पड़ेगा विंडो 11 में जाने के लिए, तो क्यों ना लोग विंडो 10 में ही रहेंगे अगर उसके अंदर अपडेट या सब चीज आता रहे तो। और अगर लोग विंडो 11 के अंदर स्विच नहीं होते हैं, और मैक्सिमम लोग अभी भी विंडोज 11, मैं बता रहा हूँ आपको, विंडोज 11 लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग 60-70% लोग अभी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडो 11 में जा ही नहीं रही लोग। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस सपोर्ट को, इसका जो अपडेट है 2025 तक रखा है, वो चाहता है कि अब विंडो 11 में स्विच हो, अपडेट करें। अगर ये नहीं करेगा तो आप विंडोज 10 के अंदर ही अटके रहोगे, और विंडोज 10 के अंदर जब आप रहोगे तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 11 वो बिल्कुल फेल कहलाएगा, वो एक सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाएगा। जैसे कि विंडोज 8.1 काफ़ी फेलियर रहा था, उसी तरह विंडो 11 भी फेल रहेगा। अब आप ही सोचो, कोई नई चीज़ आ रहा है और नई चीज़ की तरफ लोग नहीं स्विच हो रहे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसमें कुछ कमी है, लोगों के लिए ऐसा चीज़ है जो सूट नहीं कर रहा है, तभी तो विंडोज 11 में लोग कम स्विच कर रहे हैं, विंडोज 10 अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये फेल ना कहलाए, विंडोज 11 फेल ना हो जाए, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट इसका सपोर्ट और अपडेट दोनों बंद करने वाला है अपकमिंग डेज के अंदर। अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो विंडोज 10 का अपडेट आपको अपकमिंग डेज 2-4 साल, 4-5 साल के लिए अभी और दे सकता था, बट वो ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि विंडोज 11 जो उसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है विंडोज 10। अभी भी लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कई बार इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है कंपनी से जो काफ़ी यूनिक होता है, और लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम भी अभी विंडोज 10 के अंदर ही काम कर रहे हैं। अभी के टाइम में अगर आप विंडोज 11 के अंदर जाना चाहते हो तो आपको अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो चेंज करना पड़ेगा। क्या है कि अभी 4GB या 4GB से नीचे वाले जितने सिस्टम हैं उनके अंदर विंडोज 10 अच्छा से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन उसके लिए लाइट वर्जन भी है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी फास्ट चल रहा है। बट विंडोज 11 में आने के लिए आपको अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ सकता है। तो इससे आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट का हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी के साथ कुछ ना कुछ टाइप्स जरूर है, तभी जाके विंडोज 11 में जाने के लिए जो है आपको हार्डवेयर अपडेट करने होंगे, ताकि हार्डवेयर सेल होगा मार्केट से, उससे माइक्रोसॉफ्ट को हो सकता है कुछ बेनिफिट हो, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अभी अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो 2025 तक निश्चिंत रहें, 2025 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद विंडोज 11 का कहानी खत्म होने वाला है। विंडोज 11 के अंदर आपको आना ही पड़ेगा, आपको नए हार्डवेयर लगाने ही होंगे अगर आप एक सिस्टम प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ यूज़ करना चाहते हो तो। अदरवाइज अभी भी लोग विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, XP भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। तो बट कमर्शियल लेवल पे लोगों को पुश कर रहा है कि आप पूरा अपना सिस्टम को रिप्लेस करो, उसके अंदर विंडो 11 डालो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही है माइक्रोसॉफ्ट में। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।